अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोगों ने निकलना है कराची के लिए और अपने सारे मिनी जू के पेट्स को भी आज हम लोग अपने घर शिफ्ट कर देंगे। और मैंने असद को भी बुला लिया। क्या हाल है असद? ठीक है। और असद, एक और बात, मेरे मामू के घर ना शहद का छत्ता लगा हुआ है। शहद का छत्ता? हाँ भाई, वो तोड़ना है हम लोगों ने। तोड़ देंगे। पता चले शहद के छत्ते तोड़ने के चक्कर में भाई हमारे मुंह शू सूज जाए और सूजा हुआ मुंह लेके हम लोग कराची जाके डायमंड प्ले बटन रिसीव करें। लेकिन भाई हम लोग खतरों के खिलाड़ी हैं, हम तोड़ेंगे। चलते हैं पहले मिनी जू, वहां से चड्डी लाल को भी पकड़ते हैं। चड्डी लाल को दरख्त पे चढ़ा देंगे, चड्डी पहना के। चलते हैं भाई फटाफट से मिनी जू। सारी सेटिंग भी हम लोगों ने करनी है और सारे मिनी जू के पेट्स को भी हम लोगों ने आज अपने घर शिफ्ट करना है। और इस व्लॉग को भी करते हैं यहीं से स्टार्ट। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। मिनी जू आ गए और हमारे हस्की पप्पीज भाई खुशी के मारे जंप्स कर रहे हैं। चेक करो गाइस, ब्राउनी रॉकी रॉकी ब्राउनी। अबे भाई कितना कितना खेलते हैं हमारे साथ। और भाई आज हम लोग जा रहे हैं। ओए ओए, ये देखो भाई, ये तो फुल मस्त हो गए। चड्डी लाल खाना शाना दिया ना इन्हें? डाल दिया यार। अब सेटिंग ये करनी है, मैं बोल रहा हूँ अपने हस्की पपीस को और जो बाकी सारे पेट्स हैं ना उनको हम कर देते हैं घर शिफ्ट। ठीक है, हम लोग जा रहे हैं काम से कराची में, तुझे भी बता देता हूँ। ठीक है, तो सारे पेट्स को हम लोग घर शिफ्ट कर देते हैं। ओरी को भी घर ले जाते हैं, पुराने वाले हस्की को भी और अपने ये हस्की पपीस को भी, ब्राउनी और उसको यार रॉकी को भी। ठीक है ना। और ये जो हमारी डोली है इसको यहीं रहने देते हैं, ये हिफाजत भी करेगी, यहाँ पे किसी को आने नहीं देगी। ठीक है ना। और सीन ऐसा चड्डी लाल, ये हम लोग करेंगे बाद में शिफ्ट, पहले मेरे मामू के घर लगा हुआ एक शहद की मक्खियों का छत्ता, बड़ा वाला छोटा बड़ा वाला लगा हुआ है। ठीक है, और सीन ऐसा है, तुझे हम पहनाएंगे चड्डी और दरख्त पे चढ़ाएंगे और तूने तोड़ना है छत्ता। क्या बोलता है? लाल वाली चड्डी। पपीस पपीस सोए हुए होंगे यार, पपीस एक दूसरे के ऊपर चढ़ के सोते हैं। चेक करो, एक दूसरे के ऊपर चढ़ के सोए हुए, सोने देते हैं भाई पपीस को, डिस्टर्ब नहीं करते। चला जाए यार चड्डी लाल, पहले चलते हैं हम लोग शहद का छत्ता तोड़ते हैं और खालिस शहद खाएंगे, मजा आ जाएगा। हो सकता है भाई हमारा मुंह भी लाल पीला हो जाए, लेकिन हम लोग शहद नहीं निकला तो हमारे मुंह से तो खून निकलेगा ही निकलेगा। मामू के घर हम लोग आ गए और हम लोग फुल तैयारी से आए हैं और चड्डी लाल के लिए हम लोग स्पेशल मास्क भी लेके आए हैं। ओए होए होए, चड्डी लाल भाई फिर भी काट सकती है चड्डी लाल को। ओए गला नहीं घोट भाई चड्डी लाल का। और आप लोगों को दिखाता हूँ शहद की मक्खियों का जो छत्ता है ना, वो लगा हुआ है, नज़र आ रहा है यहाँ से। और भी अगर मैं थोड़ा जूम करूँ ये रहा। ओ भाई ये काटेंगी ना चड्डी लाल, क्या बनेगा तेरा अगर काट लिया तुझे। और हम लोगों ने भाई इससे धुआं देगा चड्डी लाल, इसके अंदर शहद डालेगा। ये एक्स्ट्रा कपड़ा दिया चड्डी लाल को, ये और ये कितना बड़ा छुरा। यहाँ से ना नज़र नहीं आ रहा, जूम करना पड़ रहा है, वो ऊपर लगा हुआ है। वो रहा वो ये रहा छत्ता। नहीं नहीं, सिर्फ एक ही है छत्ता। अब चड्डी लाल को, चड्डी लाल फुल तैयार हो गया। अब चड्डी लाल को हम दरख्त पे चढ़ाएंगे और इस दरख्त पे चढ़ना बहुत मुश्किल है गाइस। चेक करो एंड पे जाके छत्ता है। चड्डी लाल किस तरह चढ़ेगा? ओए भाई फुल तैयार चड्डी लाल। चल चड्डी लाल, चड्डी लाल को चढ़ाना पड़ेगा, सपोर्ट करनी पड़ेगी थोड़ी। अली पकड़ो चड्डी लाल को, चढ़ाए दरख्त पे चड्डी लाल। चल तीन बंदर थे, एक का नाम चुन्नू, एक का नाम मुन्नू, एक का नाम चड्डी। चढ़ गया चड्डी लाल, जा रहा है चड्डी लाल, रुकने का नहीं है बस अब। और भाई ये बेरी का दरख्त है और इसमें कांटे भी बहुत सारे होते हैं चड्डी लाल, देख के जाना पड़ेगा। भाई चड्डी लाल दरख्त के टॉप पे चढ़ गया है और चड्डी लाल ने आग भी लगा ली है। चड्डी लाल हम लोग भाग जाए, खड़े रहे, भाग जाए। ओए चड्डी लाल आग लगा रहा है, ओए आग लगा रहा है गाइस, चेक करो। ओए आग नजर आ रही है, देखो मैं आप लोगों को जूम करके और दिखाता हूँ। और किसी भी वक्त ना ओए मक्खियाँ उड़ना स्टार्ट हो गई हैं, मक्खियाँ उड़ना स्टार्ट हो गई हैं। ओए आग लग गई गाइस, ओए चड्डी लाल मक्खियाँ उड़ रही हैं। उड़ गई मक्खियां, उड़ गई सारी नीचे आ रही हैं, सारी नीचे आ रही हैं। लेट जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ, लेटो।
वो सॉरी नीचे आ रही है मक्खियां। वो असद और अली तो लेट गए नीचे। वो यार मुझे भी कुछ करना पड़ेगा, हमारे पास तो कोई सेफ्टी भी नहीं है। चड्डी लाल तुझे तो नहीं काटा अभी तक? चार पांच ने काट लिया। अच्छा ठीक है भाई, बाल्टी छुरी और क्या क्या है, असद का अपर सारी चीजें बचा लेना, तेरी खैर है। वापसी नहीं आ? क्या हुआ, उड़ गई मक्खियां? ओए 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 ओए, बच गया अली, बच गया, डब्बा ऊपर से गिरा, अली बच गए। भाग जाए, छत्ता काट रहे। ओए भागो, ओए भागो, भागो भागो। ओए मक्खियां उड़ गई, मक्खियां उड़ गई, मक्खियां उड़ गई गाइस। ओए मक्खियां उड़ गई, सॉरी। ओए तो सॉरी, भाग जाओ मुन्ने, अली भागो इधर से भागो। यहाँ आ सकती है गाइस, हम लोग वॉशरूम में इस वक्त। कट गया। ओए सॉरी सॉरी मक्खियां, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, चादर पे गिरी हुई है ये देखो। ओए चड्डी लाल क्या सीन है, नहीं कटा अभी तक छत्ता? फिर क्या, ओए तुझे बाल्टी के अंदर है छत्ता? फिर कहाँ है, कहाँ पे अड़ गया? ओए यार छत्ता तोड़ गया रास्ते में, अब क्या होगा यार? चड्डी लाल कुछ कर, ये देखो गाइस हर तरफ मक्खियां ही मक्खियां, इतनी मक्खियां उड़ रही हैं, और ये नीचे आके हमें भी काट सकती हैं। ओए छत्ता उड़ गया ना, चड्डी लाल इस पे डंडा मार के इसको नीचे भेज। चड्डी लाल कुछ कर जल्दी, असल माल ऊपर ही है। ओए चड्डी लाल जल्दी जल्दी निकाल यार, प्रोग्राम ना बढ़ जाए। प्रोग्राम बढ़ गया मेरा। ओए हम भी यहाँ पे बहुत डेंजर जगह खड़े हैं, क्योंकि ऊपर सॉरी मक्खियां ही मक्खियां आप लोगों को नजर आ रही होंगी। इतनी मक्खियां, इतनी, और ये शहद की मक्खी अगर काट ली ना, इतने सारे बच्चे भी जमा हुए हैं। वो यार गाइस मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे भी अली पीछे हो जाओ, आपको काट लेंगी। यहाँ पे भी इतनी सारी मक्खियां, ये पूरी चादर पे मक्खियां ही मक्खियां गिरेंगी। ओए 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 अली पीछे पीछे, क्या हुआ, क्या करें? कम बैक, अबे ये छत्ता तो उतार। क्या खत्म यार, ये छत्ता नीचे फेंक चड्डी लाल। गाइस शहद का जो छत्ता है ना, वो दरख्त में अड़ा हुआ है। आ रहा है नीचे, आ रहा है, आने लगा है गाइस। गिरा। ओए गिर गया। ओए वो गिरा, ओए वो रहा। क्या हुआ, भागे हम लोग? इसको लकड़ी में डाल के साइड पे करें। ओए डालो किस तरह करें यार। ओए असद कर, असद लकड़ी में डाल। ले आ इधर, कहाँ, इसके अंदर डाल दे, डबरे में डाल दे। गाइस ये रहा शहद का छत्ता, फाइनली हम सक्सेसफुल हो गए। अब चड्डी लाल का हमें नहीं पता कि चड्डी लाल ऊपर सही सलामत है, उसको मक्खियों ने खा लिया है। चड्डी लाल बाल्टी भी लेके आ गया, और बाल्टी के अंदर भी शहद है, थोड़ा शहद टेस्ट करते हैं, लेकिन इसके अंदर ना मक्खियां भी काट ना लें। ओए 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 ये रहा वो ताज़ा शहद, चेक करो। ओए होए 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 होए, थोड़ा और खाते हैं। करो यार, चड्डी लाल की मेहनत रंग ले आई है। मुझे तो दे थोड़ा, दिखा चड्डी लाल, सबको खिला थोड़ा सा। ये देखो गाइस, ओए होए 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 मजा आ गया यार। चड्डी लाल यार ताज़ा हम लोग शहद खा रहे हैं। ओए यार ये मक्खियाँ मरी हुई भी हैं, कहीं हमें मरी हुई मक्खियाँ ही ना काट लें। ओए 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 चड्डी लाल काट। ओए 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 बैठना नहीं मक्खियों, बैठना पूरा समय खा जाओ, नहीं चूस के ये फेंक देना टॉफी की तरह। ये भी रहा है गाइस, यहाँ से मैं थोड़ा तोड़ता हूँ, ये देखो शहद निकल रहा है, उंगली डाली। ओए 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 ओए
सारा तो हम लोग खड़े खड़े मजा ही आ गया। दे थोड़ा सा मुझे भी दो यार, असद निकाल के दे, मुझे तो डर लग रहा है यार, मक्खियां बहुत हैं। साइड में से थोड़ा सा निकाल, ऐसी जगह से जहाँ मक्खियां ना हो, कोई अंदर भी हो सकती है मक्खियां, पता चले शहद के चक्कर में मक्खी खा जाऊं। हाँ पहले देख लूं, ये देखो गाइस अंदर से शहद निकल रहा है। ओए 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 शुगर हो जाएगा ना भाई, खाया कहाँ है दियो। मजा आ गया, ओए हम तो शहद में लग गए। मिनी जू से हमने सारे पेट्स भी शिफ्ट करने हैं यार घर पे, हमने कराची के लिए भी निकलना, हम भूल गए। ये देखो शहद खाओ, बस बहुत खाली, अब निकलते हैं फटाफट से काम करते हैं भाई। मैंने चड्डी लाल और रसद को मिनी जू भेज दिया, वो आहिस्ता आहिस्ता करके सारे पेट्स को हमारे घर पे शिफ्ट कर देंगे। हम लोग लेट हो रहे हैं आजकल, 5 बजे ही रात हो जाती है, तो भाई मैं अपनी तैयारी श्यारी करता हूँ और भूख शूख भी लग रही है, खाना भी खा लेता हूँ। खाना भी रेडी हो गया, खाने में आज मामा ने चिकन बिरयानी बनाई है, साथ में रायता शायता सलाद सलाद है, तो खाते हैं भाई फटाफट से अपना दोपहर का खाना। खाना सारा खा के मैं रेडी शेडी हो गया हूँ। असद और चड्डी लाल भाई हमारे सारे डॉग्स को लेके आए हैं, ओरी भी आ गया, हस्ती पप्पीज भी आ गए सारे, और डोली को हम लोगों ने अपने मिनी जू में रखा हुआ है। टर्की बर्ड्स भी आ गए, मोर भी आ गए, आहिस्ता आहिस्ता ये लोग सेटिंग कर देंगे। ठीक है असद, हम लोग निकलते हैं, लेट हो रहे हैं। पापा ओ भाई ये तो हमें देख के इतना खुश हो रहे हैं, इनको पता नहीं है अभी हम लोग जा रहे हैं। बाय 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 बाय, ठीक है ब्राउनी, फिर मिलते हैं आपसे 10-15 दिन बाद। असद ख्याल रखना सही से, ठीक है। और पैरोट्स को मैंने आप लोगों को बताने भूल गया कि पैरोट्स को हम लोग अपने साथ लेके जा रहे हैं, दो पैरोट्स को लेके जा रहे हैं, एक जो हमारी खुर्राट पैरोट है भाई, जिसका नाम ही मैंने खुर्राट रखा हुआ है उसको, और साथ अपने मिट्टू को लेके जा रहे हैं, ये लो अली, और बाकी सारे पेट्स को इधर ही छोड़ के जा रहे हैं। और हमारी जो मानो थी ना, मानो को हमने अपने किसी मामा की ना दोस्त के घर रखवा दिया, तो जब हम लोग वापस पंजाब आएंगे तो मानो को भी हम लोग ले लेंगे। थोड़ा बहुत जो सामान था ना वो हमने डिग्गी में लोड कर दिया, और अपने पैरोट्स को भी हम लोगों ने डिग्गी में ही रख दिया, डिग्गी को कर देते हैं बंद। ठीक है सर, ठीक है, ओके भाई अल्लाह हाफिज़। ठीक है चड्डी लाल, पैट्स का ख्याल रखना भाई, रोड जाम हो गया, चलो आ जाओ अली आ जाओ, निकलते हैं कराची के लिए। और पापा को गुस्सा आ रहा है क्योंकि हम लोग लेट हो गए और हमारी वजह से भाई पूरी गली भी जाम हुई हुई है, तो निकलते हैं फटाफट से कराची के लिए और सफ़र की दुआ पढ़ लेते हैं। सुभान अल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून सदक़ल्लाहुल अज़ीम आमीन। मगरिब की नमाज़ का टाइम हो गया, तो पापा ने एक पेट्रोल पंप पे गाड़ी रोकी है, सामने ही मस्जिद है, यहाँ पे मगरिब की नमाज़ अदा करते हैं। मगरिब की नमाज़ अदा कर ली, अब अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। चलो पापा, ओए हीटर चल रहा है भाई, बाहर सर्दी हो रही है, पापा ने अंदर हीटर चलाया हुआ है। मैं तो भाई गाड़ी में ही सो गया था, अभी हम लोग रुके हैं मुजफ्फरगढ़ में एक होटल पर, यहाँ से खाना शाना खाते हैं, और खाना तो वैसे मामा घर से बना के लेके आई हैं। ये रहा हमारा खाने वाला बैग, ओ भाई ये तो बहुत भारी है, एक मिनट उठ ही रहा अली से, और अपने मिट्टू को भी चेक कर लेते हैं। ओबे भाई इन्होंने तो देखो जाली में सुराख किए हैं, तो डिग्गी को कर देते हैं हम लोग बंद, और आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ बड़े बड़े ट्रक आके रुके हुए हैं, बड़ी ट्रांसपोर्ट चल रही है यहाँ पे, और सर्दी भी बहुत है भाई, गाड़ी हमारी बहुत गर्म थी। चलो मैं उठा लेता हूँ अली से, तो उठ नहीं रहा है भाई सामान, चलते हैं भाई खाना शाना खाते हैं। खाना मामा घर से ही बना के लेके आई थी, तो खाना हम लोगों ने गरम करवा लिया। खाने में मामा ने आलू कीमा बनाया था, साथ में मामा ने सीख कबाब बनाए थे, और ये शामी कबाब हैं, हमने होटल से सिर्फ रोश लिया है। रोश के साथ हम लोगों को एक दाल मिली है, और ये सब्ज़ी मिली है, और बिरयानी मामा ने दोपहर में बनाई थी, तो थोड़ी सी बिरयानी भी लेके आ गई थी, बिरयानी भी हम लोगों ने गरम करवा ली है। तो खाते हैं भाई फटाफट से अपना रात का खाना। खाना शाना खा लिया, अब अपने पैरोट्स को भी भाई खाना दे देते हैं, उनके लिए हमने खीरा बचा थोड़ा सा, इनको खीरा दे देते हैं। ये लो भाई खाओ, मिठू खा लो, अगर इनको भूख सूख लगेगी ना, तो मैंने इनका खाना डाल दिया जाली के अंदर, ये लोग रात को खा लेंगे। ओए खा रहे हैं भाई, चलो इनको बंद कर देते हैं, और डिग्गी को भी करते हैं बंद, और अपना करते हैं सफ़र कंटिन्यू। चलो आ जाओ अली, सुसु उसु कर लिया ना, पापा गाड़ी नहीं रोकेंगे, ठीक है ना भाई। चलो चलो फिर, चलो बैठो।
तकरीबन 10:30 बज रहे हैं और मुल्तान टू शक्कर मोटरवे स्टार्ट हो गया और 120 पे पापा चला रहे हैं गाड़ी। रेस्ट एरिया में स्टे किया था, यहाँ पे हम लोग फ्रेश हुए हैं। अली ने यहाँ से चीज़ पकड़ ली है और मैं निकाल लेता हूँ अभी डिग्गी से ब्लैंकेट। हमने ये हमारे पैरुस तो ठीक है ना, पैरुस ठीक है हमारे, एक मिनट पकड़ो पैरुट्स को और मैं ब्लैंकेट निकाल लेता हूँ। ओए ब्लैंकेट आ जा, चलो भाई रख दो रख दो, मिट्टू को रख दो, ये हमने रख दिया ठीक है। ये डिग्गी हमने बंद कर दी और अब बैठते हैं कार में और ये ब्लैंकेट रख दिया। चलो बैठो 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 और करते हैं अपना सफर कंटिन्यू। ओए भाई मस्त करके हमारा ब्लैंकेट भी आ गया और बस अब मैं सोने लगा हूँ। एडिटिंग शेडिटिंग भी मैं करूंगा और इस व्लॉग को मैं यहीं सेंड कर रहा हूँ। आई होप कि आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद है तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल पे नहीं हो। अली ने इतना तंग किया हुआ है, मामा को भी इतना तंग किया हुआ है ना अली ने, क्या बताऊं। ये देखो सुकून से बैठते ही नहीं। तो गाइस आप लोग लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल पे नहीं हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।